वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेलने वाले हैं एक और नई गेम जिसका नाम है बेबी गर्ल इन द येलो हाउस। मैंने सुना है ये बेबी जो है इसमें शैतानी शक्तियां हैं और मुझे इस बच्चे को बेबी सिट करना है क्योंकि उसकी मम्मी शीला आंटी मुझे बोल के गई है, तो मुझे करना तो पड़ेगा। बट शीला आंटी की बेटी की मैंने बहुत ही कहानियां सुनी है। लेट्स सी कि ये बेटी एक्चुअल में उतनी ही डरावनी है जितनी मैंने सुनी है। अगर इस वीडियो पे आते हैं 100K लाइक्स तो मैं बनाऊंगी इसका पार्ट 2, क्योंकि मैंने सुना है एक पिंक बच्चा भी है, पिंक बच्चे के साथ खेलेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो नाइट 1 है, बेबी गर्ल कह रही है हा हा हा, आर यू किडिंग मी? अरे यार ये तो स्टार्टिंग से ही मुझे डरा रही है। ओके, मुझे थोड़ी थोड़ी ड्यूटीज करनी है। काफी स्पूकी सा घर लग रहा है। इस नीले पीले घर के अंदर मुझे इस बच्चे को दूध पिलाना है। इसके फ्रिज में इसकी मम्मी दूध छोड़ के गई है। इसका दूध कहीं कोई शैतानी दूध तो नहीं, उसके अंदर कोई शैतानी ताकत तो नहीं? चलो फ्रिज खोल लिया है, दूध मिल गई है। ओके, मैंने बॉटल पिक कर ली है, अब मुझे ये बेबी गर्ल को पिलानी है। कैसे हवा में उड़ रही है बॉटल यार, भाई सही है बेबी गर्ल की बॉटल। ओए चलो ये देखो, ओ भाई इसकी मुंडी है, बॉडी का है? अच्छा बॉडी भी है। तो भाई ये लो दूध पिला दिया हमने इसको एंड इसने उठ के पूपू कर दिया। ये बेबी कितनी गंदी है, इसने मतलब दूध पीते ही पूपू कर दिया। चलो अब इसकी पॉटी साफ करनी है हमें। कितने गंदे गंदे टास्क करने पड़ रहे हैं। हरे हरे कलर की छी लिटा दिया हमने इसको। मैं बहुत ही हैंड्स ऑन न्यू, मैं काफ़ी बुरी बेबी सिटर हूँ, बट हम इसको डाइपर पहना देंगे। चेंजिंग टेबल पे हमने इसे लिटा दिया और यहाँ पे देखो अभी भी ये मतलब ग्रीन ग्रीन हवाएं छोड़ी जा रही है। डाइपर पहना दिया है और ये खुश हो गई, डांस करके दिखा रही है। ओ शीला आंटी की बेटी पीला आंटी, एक्चुअल में हरी बच्ची हरी हरी पूपू करती है, हरी हरी बच्ची। ओके इसको हमें बेड पे लेके जाना है और लिटाना है। बिल्कुल पापी गुड़िया जैसी लग रही है अभी, ये तो डोर में आर पार हो गई यार, ये क्या बच्ची है यार। पहले से लिटा दिया बेड पे और अब हमें लाइट्स टर्न ऑफ करनी है। शुक्र है बच्ची सो जाएगी थोड़ी देर में, अपना आराम से बैठ के फ़ोन पे बातें करूंगी। अब मैंने लाइट्स ऑफ कर दिए और मुझे बाहर जाके डोर को क्लोज करना कर दिया मैंने। राइट, मुझे इसके पेरेंट्स का वेट करना है। मैं आराम से बैठ के टीवी देखूंगी सोफा पे एंड भाई सही है, बहुत बढ़िया ये सो गई है, अच्छा हुआ। मुझे अब इसकी और ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके साथ। ऑलरेडी यहाँ बैठ जाते हैं आराम से एंड टीवी देखते हैं। ओके अरे फिर से सेटल बेबी गर्ल, अरे इसको कितना सेटल करूँ मैं? कभी कुछ सेटल करो, कभी कुछ करो, कभी इसको खाना दो, कभी इसकी पॉटी चेंज करो। छी 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 मैन, सारे गंदे गंदे काम करने पड़ रहे हैं, बट मैं काफ़ी बुरी बेबी सीटर हूँ। ऑलराइट टक 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 करके हम ऊपर आ रहे हैं एंड ये बेबी देखते हैं चुपचाप क्या कर रही है। पुट बेबी टू बेड अगेन। अरे बेबी कहाँ चली गई? अबे जादू शक्ति वाली बेबी है, ओ मैजिक वंड पड़ी थी वहाँ पे। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, ये किसी शैतान, ये पापी गुड़िया है शीला आंटी की। ये नीचे कैसे बैठी है? ओह, हम इसे ऊपर लेके चलते हैं फिर से। ये देख रहे हो आप, ये कभी दीवार से आर पार हो रही है, कभी इधर से आर पार हो रही है। भाई कुछ तो गड़बड़ है इस बच्ची में, मैं बता रही हूँ। ओके हम इसको फिर से इसके क्रिब में लटा देते हैं और लाइट से ऑफ कर। अगर ये दोबारा मुझे नीचे मिली ना, मैं बता रही हूँ मैं डर जाऊँगी, मैं भाग जाऊँगी उल्टे पैर। ये तो बड़ी डरावनी बच्ची है यार। वही मैं मतलब वही वाला सीन हो गया हमारे साथ, एनाबेल डॉल जो होती है ना, अभी एकदम से रूम में जाओ और वहाँ पे अपनी जगह पे नहीं होती, वही हो रहा है हमारे साथ। एनाबेल डॉल है यार ये। ऑलराइट अभी हम फिर से बैठते हैं, चिल आउट करते हैं टीवी पे, आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं। ऑलराइट अब आई होप मुझे दोबारा कुछ ना करना पड़े। नाइट 2, दूसरी रात आ गई है। बेबी गर्ल कह रही है लुक हाउ आई कैन डू फन थिंग्स। ऑलराइट मैंने मना किया है कि कुछ भी मत कर बच्ची, मुझे परेशान मत कर। अरे फिर से मुझे वही सारे काम करने हैं या मैं तो दुखी हो गई हूँ यार। ये बच्ची को सिर्फ खाना देते रहो या फिर इसके डाइपर चेंज करते रहो, यही काम रह गया है मेरा जिंदगी में। अभी मैं इसकी बॉटल ना साफ भी नहीं करूँगी, धोके नहीं दूंगी, ऐसी गंदी हूँ मैं, गंदी बेबी सिटर हूँ। गाइस मैं वैसे बहुत अच्छी हूँ बट कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूँगी इसका। टर्न लाइट्स ऑन, मुझे अब इसकी लाइट्स भी ऑन करनी है। अरे अरे भाई ये क्या है, मैं अटक गई यहाँ पे। ऑलराइट ये मैंने ऑन कर दी, अब चलते हैं इस डोर से बाहर और ये बॉटल देते हैं बेबी को। और ये देखो ये पापी गुड़िया बैठ के टीवी देख रही है, मैं मना करके गई थी इसको टीवी मत देखना, ये देखो। अरे राम, अरे यार इसने फिर से खाते ही पॉटी कर दी। जी मैन, हरी हरी पॉटी करती है, हरा हरा खाती है। ओ गॉड, ये तो सच में पापी गुड़िया, स्माइल देखो इसकी, एकदम से आप देखोगे ना रात को लाइट्स ऑफ करके एकदम डर जाओगे। अभी हमें फिर से इसके लिए डाइपर लेके आना है, फिर से पहनाना है। इतनी बार तो हमारी बेला भी नहीं
पुप्पू करती घर में, छी मैं परेशान हो गई हूँ इससे। ओ देखो डायपर उड़ रहा है, डायपर उड़ रहा है, अरे भाई डायपर उड़ गया भाई, इस बच्ची में शैतानी ताकते है, इसने अपना डायपर उड़ा दिया भाई, मैं इसके डायपर का पीछा कर रही हूँ, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा मैं कैसे घर में फंस गई हूँ, मेरे को दुखी कर दिया इस लड़की ने। ऑलराइट मुझे डायपर मिल गया, फाइनली मैंने उठा लिया है। भाई क्या कर रही है बच्ची, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, डुबी डुबी डब डब, भाई वही सीन हो रहा है मेरे साथ तो, ये बच्चे ना पूरी शैतान की चाची है ये। ऑलराइट चलो आ गए चेंजिंग स्टेशन पे और इसको डायपर लगा दिया। कितनी भाई अगर ऐसे होते हैं ना बच्चे, इतने ऐसे ऐसे स्पूक आउट करने वाले, मुझे डर लगता है भाई। ऑलराइट गाइस ये देखो कैसे टांगे इसकी लटक रही हैं पट 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 पट, मैंने तो आज तक सोचा था बच्चे कितने क्यूट होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, और ये देखो इसके कपड़े देख के भी मुझे डर लग रहा हो कि लेटा देते हैं इसको। ओके लेट गई बच्ची, नहीं एक्चुअल में ये अच्छी बच्ची है पता है। ऑलराइट लाइट्स टर्न ऑफ करते थे, अगर ये आराम से अपने बेड पे लेटे रहे ना और ऐसे मुझे डराए ना, मुझे डर लगता है पीछे देख रही हूँ मैं कहीं फिर से ना उठ गई हो, तो अगर ये मुझे डराए ना ना तो मैं एक्चुअल में इसको काफ़ी प्यार करूँ और इसको अच्छे से रखूँ। नहीं मुझे चिल ही नहीं करने दे रही, आराम ही नहीं करने दे रही, मेरा पिज्ज़ा भी ठंडा हो गया यहाँ पे पड़ा पड़ा है इसकी वजह से। ओके अब हम आराम से टीवी देखेंगे, एकदम वाइट स्क्रीन है, कुछ नहीं आ रहा टीवी पे क्योंकि मेरे घर में तो पापी गुड़िया है। नाइट 3 ओके गुड नाइट बेबी गर्ल। अच्छा ये बेबी गर्ल अब मेरी दोस्त बन चुकी है और मैं उसे कह रही हूँ कि आराम से सो जा। ओके यहाँ पे आके नहीं बैठी है, 3rd नाइट है, मैं आराम से बैठ के अब टीवी देख सकती हूँ। ये बच्ची अब सो रही है, मुझे लग रहा है मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गई हूँ इस बच्ची को, अभी मुझे ऊपर जाना है और बेबी को फिर से सेटल करना है। ओके चलो ऊपर चलते हैं, टप 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 टप, आ गए हम ऊपर। ये बच्ची एक्चुअल में यू नो अब मेरी दोस्त बन चुकी है, बिकॉज वो अंडरस्टैंड कर चुकी है कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ बट वो मुझे डरा रही है। ऑलराइट लाइट्स टर्न ऑफ कर देते हैं, बच्ची आराम से सेटल हो चुकी है अपने बेड पे। इस बार तो वो बेचारी कुछ करा भी नहीं उसने यार, ना कुछ मांगा, ना उड़ के एकदम गायब होके नीचे आ गई। बट ये क्या है, फीड द बेबी मॉन्स्टर, फीड मी। ओ भाई ये क्या है, ओ भाई फीड मी मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर है, मेरे को लग ही रहा था ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, नॉर्मल बच्चे तो कितने क्यूट होते हैं, ये तो सच में मॉन्स्टर है गाइस। देखो नीचे क्या लिखा, फीड मी। ओ भाई कहाँ गई बच्ची, भाई ये उसको भूख लग रही है, अगर मैंने इसको अभी के अभी किस अपना खून नहीं दिया तो शायद ही मुझे मार। ये देखो टेबल पे आके बैठ गई आराम से, हर जगह फीड मी लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा ही भूख लग रही है, इसको खाना दे देते हैं गाइस। ओके डर लग रहा है मुझे, इसको खाना लेके आना पड़ेगा। ओके गाइस चलते हैं यहाँ से, अगर मैं इसको खाना नहीं दिया तो ये मुझे मार देगी, मेरी आखिरी रात है आज इस घर में, मैं बता रही हूँ मुझे मार देगी, पक्का मार देगी, मैं बहुत ज़्यादा स्पूक्ड आउट हूँ। ओके लेट्स ओपन द डोर, एंड इससे पहले कि ये मुझ पर हमला करे मैं इसको खाना दे देती हूँ ताकि इसको मुझे खाने का मन ना करे, ये बेबी मॉन्स्टर मुझे ही खा जाएगी। ओके ओके कहाँ है खाना, कहाँ है ये फ्रिज, इतना बड़ा कैसे हो गया ये फ्रिज, एकदम क्लोजेट स्टोर अलमारी कैसे बन गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंस गई कि इस बापी घर में शीला आंटी ने फंसा दिया मुझे, अपनी बेटी को आप ही संभालो प्लीज़, ये सच में कहते हो गॉड, ये देखो ओ गॉड इसको गुस्सा आ रहा है, इसका गुस्सा देखो एक बार, कितना गुस्सा कर रही है, आंखें फट जाएंगी तेरी आंखें। खुश हो गई, खाना खाते ही खुश हो गए, खाना खाते ही इसने वही अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, पू 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 गंदी गंदी नीली पीली हवाएं, हरी हवाएं छोड़ रही है, जीवन तो दुखी हो गई हूँ, मैं नहीं इसको और संभाल सकती, शीला आंटी मुझे छुट्टी दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे घर जाना है, शीला आंटी प्लीज लेट मी गो। ये खड़ी होगी अपना गला, ये क्या कर रही है बच्ची, इसने अपनी पूरी मुंडी 360 डिग्री पे हिला दी यार, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, मैजिक वॉन्ड लानी पड़ेगी नहीं तो ये मुझे खा जाएगी। ऊपर चलो गाइस ऊपर चलो, ये रात स्पूकी होती जा रही है और ये दैत्य बच्चा कुछ भी कर सकता है, मुझे अपनी मैजिक वॉन्ड लानी पड़ेगी, इसी से कंट्रोल होगी, इसी से काबू में आएगी, इसको काबू में लाना भी कोई सौखा काम नहीं है बट हम कर लेंगे। लेट्स गो काम डाउन द बेबी विद अ वॉन्ड, ओके हम इस बेबी को इस वॉन्ड से काम डाउन, एकदम शाकला का बूम बूम की पेंसिल है मेरे पास, अभी मैं इस पर शाकला का बूम बूम कर दूंगी। चल कहाँ गई रे बच्ची, कहाँ चली गई, मुझे दुखी कर रखा है इसने, इसके पास और कोई काम नहीं, क्या हाल हो गया इसका। फाइनली मैंने इसको लिटा दिया है, ये बैठ गई, शांत हो गई है, शांत हो गई है बच्ची, अब इसको इसके बेड पे लेके चलते हैं। हो गया यार मैं छुट्टी ले रही हूँ इस जॉब से, ऐसे घर में नहीं रहूंगी, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, पागल है ये।
ओके चलो ऊपर चले ऊपर चले ऊपर चले। भाई साहब वैसे फिर से मुंह बना लिया इसने अपना, ये कहाँ से मास्क ला रही है यार, इसको सेटल करो यार, इसको हवा में उड़ा के फेंको यार इधर। चलो चलो गाइस चलो खत्म करें इसको, मेरा हो गया हो गया हो गया मेरा हो गया, ज्यादा नहीं मैं इसको बर्दाश्त कर सकती। गाइस आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो देख के उतने मजा आएगा जितना मुझे इसके साथ मजे करने में मजा आया है। ये बेबी गर्ल काफी शैतानी थी, बट आई होप मुझे दोबारा ऐसे बच्चे को कभी बेबी सेट ना करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।